हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्रोटन प्लांट के केयर के बारे में बताने वाला हूं और आज का वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, क्रोटन का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने खूबसूरत पत्तियों के बारे में जाना जाता है। और दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जो आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपका गार्डन और खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों, अगर बात करें क्रोटन प्लांट की मिट्टी के बारे में, तो इसको मिट्टी ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा रुके नहीं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मिट्टी में थोड़ी रेत या फिर आप इसमें कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मिट्टी थोड़ी ऐसी बनी रहेगी कि जिसमें पानी का ठहराव होगा। तो दोस्तों, मिट्टी के लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा 40% आप मिट्टी का यूज़ करें और 40% आप कंपोज या फिर इसमें आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी वेल ड्रेनेज रहेगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं। और दोस्तों, अगर बात करें पानी की, तो आप इसमें डेली बेस पे एक टाइम पानी दे सकते हैं, जिससे इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं रहेगी और आपका प्लांट खूबसूरत रहेगा और इसकी पत्तियाँ झड़ने का भी ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही कलरफुल हैं। वो इसलिए है दोस्तों कि मैं इसको डेली बेस पे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप देता हूँ, सनलाइट। तो दोस्तों, इस प्लांट को सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे मॉर्निंग की अगर आप 1-2 घंटे की इसको धूप दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा सनलाइट में आप ना रखें, सुबह खाली 1-2 घंटे की अगर इसको धूप मिल जाएगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये अपने कलर और निखारेगा। और दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं कि इस जो क्रोटन प्लांट है उसकी हम जगह बार बार चेंज ना करें, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि अगर आप इसकी जगह बार बार चेंज करेंगे तो फिर ये प्लांट के सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जिस प्लेस पे इसको रखा है तो आप वही प्लेस में इसको रखें। और दोस्तों, क्रोटन के प्लांट की जो मिट्टी है वो उसको एसिडिक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मैं इसको एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए इसमें या तो मैं नींबू के छिलके जो होते हैं उनका यूज़ करता हूँ, या तो फिर ऑरेंज के जो छिलके होते हैं मैं उनका यूज़ करता हूँ, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहे। दोस्तों, एसिडिक मिट्टी से क्रोटन के प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ऑरेंज के छिलके या तो फिर नींबू के छिलके का ज़्यादा यूज़ करें, जिससे आपका प्लांट इस तरह से खूबसूरत रहेगा, जैसा ये मेरा प्लांट है। और दोस्तों, बात अगर करूँ क्रोटन के प्लांट की वैरायटी के बारे में, तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल 3 वैरायटी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक कलरफुल जिसकी पत्तियां हैं वो एक क्रोटन प्लांट है, और एक गोल्ड डस्टी है जिसमें ग्रीन कलर की लीव्स हैं और उसमें येलो कलर के डॉट्स हैं, और तीसरा मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, जिसकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी लंबी हैं और उसमें भी ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं और गोल्डन कलर के डॉट्स हैं। तो दोस्तों, क्रोटन के प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, बट अभी मेरे पास ये 3 वेराइटीज़ हैं। अभी मैं और भी इसकी वेराइटीज़ लाना चाहूँगा, जिसकी मैं आपको अपडेट आगे के वीडियो में देता रहूँगा। और दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके क्रोटन के प्लांट की पत्तियाँ सूख रही है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसकी जितनी भी लीव्स बची हैं, जैसे कि अगर आपके प्लांट में अगर 2-4 लीव्स ही दिख रही हैं और आपका क्रोटन का प्लांट पूरी तरह से उसकी पत्तियां गिर चुकी हैं, तो आप जो बाकी की जो बची हुई प्लांट हैं जो पत्तियां हैं सॉरी बाकी की जो बची हुई आपके लीव्स हैं, आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि उनको रिमूव कर सकते हैं। तो बाद में आप देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद आपका जो प्लांट है वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके प्लांट की लीव्स अगर गिर रही हैं तो आप घबराए नहीं, जब तक आपके प्लांट ग्रीन है, यानी कि अगर आप उसमें देखेंगे तो आप उसकी अगर डंडी को हल्का सा छिलके देखेंगे तो अगर वो अंदर से ग्रीन है, दैट मीन्स आपका जो प्लांट है वो अभी भी मरा नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्रोटन के प्लांट की लीव्स कितनी बार गिरने लगती है, इसमें ये कॉमन थिंग है। बट आप इसको बचाने के लिए जो मैंने आपको कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो फिर से ग्रोथ कर जाएगा। और दोस्तों, क्रोटन का प्लांट ये वैसा प्लांट है जो आपके गार्डन में होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी जो लीव्स है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इसमें आप देखेंगे तो फूल की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे क्रोटन का प्लांट है तो आप इसकी पत्तियों से ही आपके गार्डन एकदम खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था ये क्रोटन के प्लांट के केयर और उसके काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं आगे जाके आपको बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसमें चैनल